हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूं अनुपम और लेके आ गई हूं एकदम एक नई यूनिक रेसिपी। फ्रेंड्स, आज मैं मैगी से बनी हुई रेसिपी लेके आई हूं। फ्रेंड, बच्चों से लेके बड़ों तक सबको मैगी बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। आज मैं एक पैकेट मैगी से 10 रुपये की जो ये मैगी आती है, इस पैकेट से मैं पूरे परिवार के लिए नाश्ता बनाने वाली हूँ। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही गजब का ये नाश्ता बनके तैयार होता है। आप इसको एक बार खाएंगे तो इसका टेस्ट आप बिल्कुल भूल ही नहीं पाएंगे। फिर ये चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये हमने ले लिया है एक पैकेट मैगी और इसको हम फ्राई कर लेंगे इस तरीके से। देखिए, इसका मसाला हमने अलग करके रख लिया है। इसको हम ब्राउन होने तक ऐसे पकाएंगे। देखिए, ब्राउन हो गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे, एक टिश्यू पेपर पर निकालेंगे, जिससे ये इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो भी हो वो सारा निकल जाए। और ये देखिए, इसके लिए हमने ले ली हैं सब्जियाँ, गाजर, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, कॉर्नफ्लेक्स, सॉरी स्वीट कॉर्न, और ये बंद गोभी, और हमने लिया है 100 ग्राम पनीर, और थोड़ी सी हमने फ्रोजन मटर ली है, और लिया है हमने हरा धनिया। फ्रेंड्स, सब्जियां जो भी आपको पसंद हो या घर पे जो भी अवेलेबल हो वो सब्जियां आप लीजिए। कोई इसमें बाउंडेशन नहीं है कि जो सब्जियां हमने ली हैं वही सब्जियां आप लें, इसका कोई भी बाउंडेशन नहीं है। अगर आपके पास चॉपर है तो उससे आप चॉप कर लीजिए सब्जियों को। मेरे पास नहीं है इसलिए मैं ग्राइंड कर रही हूँ, तो मैं थोड़ी थोड़ी करके ये सब्जियाँ सारी ग्राइंड कर लूँगी। हमें बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, हमें सब्जियों को दरदरा ही रखना है। ये देखिए, इस तरीके से मेरे पास चॉपर होता तो मैं चॉपर से चॉप करती तो सब्जियाँ इतनी ज़्यादा, मेरी भी थोड़ा सा ज़्यादा ही पिस गई हैं, तो इतना हमें नहीं करना है, बस थोड़ा सा दरदरा ही रखना है तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। हमने पनीर को नहीं पीसा है, ये पनीर को हम इस तरीके से तोड़ देंगे। ये इसमें जब बहुत ज़्यादा पेस्ट बन जाएगा तो इस रेसिपी में अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी, तो हमें ये बिल्कुल भी नहीं करना है। तो पनीर को हम इस तरीके से तोड़ देंगे, और इस तोड़ने के बाद फिर हम इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे, जो भी मसाले हमें ऐड करने हैं। आप इसमें प्याज भी ऐड कर सकते हैं, इसमें लहसुन भी ऐड कर सकते हैं, अदरक भी डाल सकते हैं। जितना टेस्टी जिस तरीके से आप बनाना चाहें उस तरीके से इसको आप बना सकते हैं। बस मेरा एक मकसद है कि हम एक नए से नई चीज़, नई नई रेसिपी आपके पास लेके आएं। जो मेरा ये पाउच मैगी मसाला का निकला वो हमने इसमें डाल दिया है, और हम और भी मसाले इसमें ऐड करेंगे। ये हम ऐड करेंगे एक आधा चम्मच भुना हुआ जीरा, आधा चम्मच गरम मसाला, और एक चम्मच लिया है हमने पाव भाजी मसाला। आपके पास पेरी पेरी मसाला हो, मैगी मसाला हो, या मिक्स हब हो, जो हो आपके पास वो आप डाल सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने पाव भाजी मसाला डाला है तो आप भी पाव भाजी मसाला ही डालिए, और चाट मसाला भी आप ऐड कर सकते हैं। हमने मिक्स कर दिया, और जो हमने मैगी को फ्राई करके रखा था, वो मैगी जो फ्राई करके रखी थी वो हमारी ठंडी हो चुकी है। अब इसको हम इस तरीके से तोड़ के इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। इसका हम फाइन पेस्ट बनाएंगे, जिससे कि आप देखते रहिएगा इसका हम क्या बनाने वाले हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही गजब की रेसिपी बनके तैयार हुई थी, और ये हमने डाल दिया है। इसमें हमने ऐड किए हैं 4 ब्रेड। आपके पास आपके घर में जितने सदस्य हों घर के, उस हिसाब से आप डालिए ब्रेड। ब्रेड की जगह आप सूजी भी यूज़ कर सकते हैं, मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी बाउंडेशन इसमें बिल्कुल भी नहीं है क्या चीज़ आप ऐड करें। मेरे पास ब्रेड थे तो हमने ब्रेड ऐड कर दिए हैं, और इस तरीके से हमने ये देखिए, इस तरीके से हमने एक पाउडर की तरह बना लिया है। फ्रेंड्स, इस तरीके का हम पाउडर बना लेंगे, और उसके बाद आगे का देखिए हम क्या प्रोसेस करते हैं।
इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच मैदा, क्योंकि सिर्फ ब्रेड से और मैगी से तो हमारा रेसिपी बनने वाली नहीं है, वो फट जाएगी, इसलिए हम इसमें मैदा ऐड करेंगे, थोड़ा सा नमक। नमक हमने उसमें डो में सॉरी उसको क्या बोलते हैं जो हमने भरने के लिए बना के रखा है उसको भी उसमें भी हमने नमक ऐड किया है, इसलिए हमें इसमें नमक थोड़ा सा कम ऐड करना है। और थोड़ा सा हमने ऐड कर दिया हरा धनिया। अब इसमें हम ज़रा ज़रा सा पानी डाल के इसको हम आटा, जैसे हम रोटी और चपाती पूरी का आटा लगाते हैं, सेम उसी तरीके से हमें इसे आटे की तरह ही हमें गूंथ लेना है। और थोड़ा थोड़ा सा हमें पानी डालना है, एक साथ हम पानी नहीं ऐड करेंगे, एक साथ पानी डालेंगे तो ये गीला हो जाएगा तो हमें बनाते बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा ही पानी ऐड करेंगे और अच्छे से एकदम फाइनली, जैसे रोटी पूड़ी और पराठे का हम आटा लगाते हैं, देखिए इस तरीके का हम इसे आटा लगा के रख देंगे। और इसको हम कम से कम 10 मिनट के लिए ज़रूर लगा के रख देंगे, जिससे कि ये हमारा डो जो है वो अच्छे से सेट हो जाए, ठीक है। और उसके बाद ये देखें हमारा ये तैयार है। इसमें हम डालेंगे, अभी हमने नमक नहीं ऐड किया था क्योंकि नमक डालने से ये गीला हो जाता, तो इसमें हमने ऐड कर दिया है हरा धनिया। और अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। फ्रेंड्स, अगर आपका गीला हो जाता है डो तो आप क्या करिए, इसको पहले थोड़ा सा भून लीजिए कढ़ाई में फ्राई पैन में जैसे हो सके इसको भून लीजिए, जिससे कि ये बहुत अच्छे से हो जाता है, अच्छे से फिर भरते बन जाता है। मेरा भी हल्का सा गीला हो गया था तो मैंने भी इसको हल्का सा इसको हमने सेंक लिया है कढ़ाई में, तो ये भरने में आराम हो गया। इस तरीके से हम भरेंगे और जिससे कि और कोई भी मेरा ये पकौड़ा जो है वो फटेगा नहीं, कोई भी फूटेगा नहीं। आप देखते रहिएगा, बहुत ही अच्छा बहुत ही टेस्टी नाश्ता ये बनके तैयार हुआ था। इस तरीके से हम एक बड़े लड्डू की तरह इसको हम बना लेंगे। आप चाहें तो छोटे पीसेस में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने बड़े पीसेस में बनाया है। ये देखिए हमने थोड़ा सा पेड़े का शेप दे दिया है और थोड़ा सा हमने लड्डू का शेप दिया है। आप शेप कोई भी दे सकते हैं जो आपको पसंद हो, और इसे मोदक का शेप भी हम दे सकते हैं। और ये हमने ब्रेड क्रम बना के रख लिया था, इसमें इस तरीके से कर लेंगे तो ये और भी ज़्यादा कुरकुरा और टेस्टी बन के तैयार होगा। और ये हमने इसमें अरारोट घोल के रखा है, आप चाहें तो मैदा हो आपके पास, मैदा हो आटा हो जो हो, घोल इसको घोल बना के रख लीजिए, जिससे कि जो ये ब्रेड क्रम है मेरा वो अच्छे से इसमें चिपक जाएगा, तो बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही मज़ेदार नाश्ता ये बन के तैयार होता है। आप ये ज़रूर बनाइएगा और हमें अपने कमेंट से बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और अपने कमेंट से हमें बता दिया करिए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। आपके कमेंट से, आपके एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ जाता है, हम और भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं, और भी अच्छा लाने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। अगर मेरी वीडियो पे आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, उस पर ऑल का जो ऑप्शन होता है उसको प्रेस कर देंगे तो मेरी कोई भी नई वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुँच जाएगी। ये इस तरीके से हमने ब्रेड क्रम को इसमें सारे में लगा लिया है, 2 हमने छोड़ दिया है, और ये देखिए 4 हमने इसको हमने पेड़े का जो एक लोई नहीं होती बड़ी सी उसका शेप दे दिया है। देखिए तेल गर्म हो गया है, पहले हमें फ्लेम को हाई रखना है और उसके बाद ही हम लो करेंगे। हाई फ्लेम पे ही हम जब बनाएंगे तो ये जो इसका ब्रेड क्रम इसमें जो हमने चिपकाया है ये निकलेगा नहीं,
और अगर हम धीमी धीमी आंच पे पकाएंगे तो जो हमारे ये रोल हैं, ये लड्डू जो रोल जो भी आप बोल सकते हैं पकौड़ा, ये जो हमारे हैं ये फूट जाएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे और हमारा ऑयल भी ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, पहले तेज़ आंच पे हमें इसे पका लेना है जिससे कि एक लेयर इस पे आ जाए, उसके बाद हमें इसे पलटना है। पहले इसमें हमें बिल्कुल भी बोलना भी नहीं है, बस 2-4 मिनट तक ऐसे ही पड़े रहने देना है, उसके बाद हम पलट देंगे। ये देखिए अब बिल्कुल भी टूट नहीं रहे, कोई भी मेरा पकौड़ा जो है वो टूटेगा नहीं, बिल्कुल एकदम बढ़िया अच्छा सा शेप में बन के तैयार होगा, बहुत ही मज़ेदार लाजवाब नाश्ता बन के तैयार होता है। फ्रेंड्स ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। ये देखिए मेरा एकदम डार्क ब्राउन कलर का होने तक हमने पकाया है। आप इसी तरीके बहुत ही कुरकुरा बहुत ही मज़ेदार ये नाश्ता बन के तैयार होता है। और बाकी के भी हम इस तरीके से बना देंगे, उसमें डाल देंगे जिसे सारे पक जाएं। ये देखें इस तरीके से हमने सारे बना लिए हैं और हमने टोमेटो सॉस के साथ इसको सर्व किया है। आप ग्रीन चटनी के साथ, लहसुन वाली चटनी के साथ, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसके साथ सर्व करिए और अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे पर बनाए रखिए, हम पर हमेशा बनाए रखिएगा। और आप मेरी वीडियो में अंत तक बने रहे इसके लिए आपका लाखों करोड़ों बार शुक्रिया। बाय। अब मैं इसे आपको कट करके भी दिखाऊंगी। ये देखिए कितने कुरकुरे और क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए मैं अलग से लेके आपको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके बहुत ही कुरकुरे बहुत ही लाजवाब बनके तैयार हुए हैं, आप खुद देख सकते हैं कितने टेस्टी बने। ये देखिए और कितना अच्छा इसका डो तैयार हुआ था, कितना मज़ेदार बना है, बहुत ही क्रिस्पी बहुत ही लाजवाब बनके तैयार हुए हैं। फ्रेंड्स फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर।